Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 5 Part 1, that is Pharmacogenomics of Adverse Drug Reactions. So let's start. फार्माकोजेनोमिक्स को हम फार्माकोजेनेटिक्स भी कहते हैं. दो वर्ड से डिराइव हो रहा है, फार्माको से फार्माकोलॉजी जो कि होती है साइंस ऑफ ड्रग्स, और जीनोमिक्स जो कि होती है स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शन. तो इसमें हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ड्रग, मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स, ड्रग ट्रांसपोर्टर्स और ड्रग रिसेप्टर्स के बारे में जनरल देखते हैं. अब ये होता क्या है? ये होता है एरिया ऑफ रिसर्च जिसमें हम बात करते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन इन इंडिविजुअल, यानी कि कैसे इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्पेसिफिक ड्रग्स को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन देयर डोज, रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एफिकेसी. ठीक है, किन किन चीज़ों में डिफरेंस होती है? डोज में, रिस्क में ADR का, और एफिकेसी में. और ये कंसर्न होता है वेरिएबिलिटी इन DNA से और जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग से, क्योंकि हर इंडिविजुअल में ये अलग होगा. अब इसका फ़ायदा क्या होता है? हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं थेरेप्यूटिक बेनिफिट को, अवॉइड कर सकते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, मनी सेव कर सकते हैं. कैसे? हमें पता चल जाएगा कि कौन जो है रिस्पॉन्डर है ड्रग का और कौन नॉन रिस्पॉन्डर है. तो हम लोग सिर्फ रिस्पॉन्डर्स को ही प्रिस्क्राइब करेंगे, तो डिक्रीज होगी वेस्टेड मेडिकल कॉस्ट में. हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ड्रग डोजिंग को और अलाउ कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड थेरेपी को. अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. ये होती है जेनेटिक वेरिएशन जो बहुत कॉमन होती है एटलीस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन में. जो म्यूटेशन होती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड की, उसे हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. और जो 1/3 से ज़्यादा ह्यूमन जीन्स हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं. देन पॉलीमॉर्फिज्म से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कार्डियोटॉक्सिसिटी रिएक्शंस को, और ये रेलिवेंट होती है इननेट इम्यूनिटी से. अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो जो डाइहाइड्रोपिरिमिडीन डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है जिससे टॉक्सिसिटी होती है 5-फ्लोरोयूरासिल से और कैपेसिटाबीन से. देन कोलिनेस्ट्रेज डेफिशिएंसी होती है किसी को, और हम उसको सक्सा मेथोनियम देते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है मसल रिलैक्सेशन. देन नेक्स्ट एग्जांपल है थायोप्यूरिन एस मिथाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी होती है पीडियाट्रिक्स में, और हम उनको 6-मरकेप्टोप्यूरिन दे देते हैं जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है, तो उसको हिमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटी हो जाती है. देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डाइहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है इन ड्रग्स का, जैसे कि क्लोरोक्विन, डैप्सोन और रेसबुरिकेज से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है. देन फावा बीन्स खाने से भी हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, और एंटी मलेरियल ड्रग्स या सल्फोनामाइड से ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिसिस हो जाता है. That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.